नमस्कार साथियों, देसी अमानत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में राज्य के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है। कब से ऑनलाइन होगा, क्या इसकी योग्यता है, कैसे आपका नामांकन होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी किया जा चुका है। राज्य के जितने भी सरकारी कॉलेज है, डाइट कॉलेज, PTEC कॉलेज, बाइट कॉलेज, इन सभी कॉलेजों में डीएलएड शिक्षण सत्र 2021-22 में नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में ऑफिशियल लेटर जारी किया जा चुका है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लियर रूप से कह दिया है कि इसमें कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसलिए सभी कॉलेजों को अपने स्तर से मैट्रिक एवं इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची का निर्माण करें और उस मेगा सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करें। डीएलएड में नामांकन करने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होगा, अभ्यर्थियों को मतलब कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। इसके संबंध में और भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो में बने रहे। योग्यता की अगर बात करें तो इंटर में कम से कम 50% अंक होनी चाहिए, साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 5% की छूट दी गई है, और उर्दू अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50% के साथ मौलवी होना आवश्यक होगा। आपको बता दें कि जिस भी कॉलेज में अगर 100 सीट है तो उसमें 50 सीट साइंस स्टूडेंट के लिए होगा और 50 सीट आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आरक्षित होगा। चयन का जो आधार की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मान के चलिए कि अगर आपका मैट्रिक में 60% है और इंटर में 70% है तो आप दोनों को डिवाइड करके यानी आपका 65% हो जाएगा। उसी आधार पे आपका जो मेगा सूची है वो तैयार किया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको कैसे ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करने में कितना फी लगेगा और एडमिशन के टाइम में कितना पैसा लगेगा जनरल को और अनुसूचित जाति जनजाति को, वो सारी जानकारी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन जो आवेदन जिसमें कीजिएगा तो ऑनलाइन आवेदन करने में आपको 100 रुपये खर्च होगा और एडमिशन के टाइम में आपको 11,500 की राशि के रूप में ली जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए मात्र 7,000 रुपया देना होगा। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको पेपर का कटिंग दिखा रहा हूं। डीएलएड कोर्स में नामांकन को 18 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, देख लीजिए, मैं आपको वीडियो ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन स्टार्ट जो डेट है वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, 18 अगस्त 2021 है, और ऑनलाइन का जो लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि है वो 1 सितंबर है। मेगा सूची का जो निर्माण की तिथि है वो 9 सितंबर है और मेगा सूची का प्रकाशन तिथि 13 सितंबर और मेगा सूची में आपत्ति की तिथि 20 सितंबर है। अब आपत्तियों का जो निराकरण और अंतिम मेगा सूची प्रकाशन होगा वो 27 सितंबर तक है और नामांकन यानी एडमिशन की तिथि 30 सितंबर है। तो देख सकते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021-22 में जो योग्यता क्या क्या है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम किसी भी बोर्ड से इंटर में
50% अंकों के साथ होना चाहिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए उर्दू अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मौलवी होगी और 50% अंक तथा निःशक्त आवेदकों के लिए यहाँ पर 5% छूट मिलेगी। तो आप ये आप देख सकते हैं कि BSEB DLED एडमिशन ऑनलाइन 2021 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नामांकन के लिए चयन का जो आधार है वो 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत के आधार पर होगा। 10वीं और 12वीं में अंकों का जो प्रतिशत निकालते हुए आपका जो है वो मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिहार DLED एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021-23 में यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और फोटो, उसमें हस्ताक्षर और ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। और इसमें एज की अगर बात करें तो न्यूनतम एज कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम वर्ष निर्धारित नहीं किया गया है। और इसमें अगर ऑनलाइन कुछ जो है वो आप करने के लिए आपको मात्र 100 रुपये खर्च करेंगे। तो यदि छोटी सी जानकारी बहुत